तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बता, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, कितनी भी चीजें कर रहे हैं, उसमें हमेशा हमें एक फाइल नजर आ रही होती है जो इस तरीके के आइकन के साथ मौजूद होती है, और हम परेशान होते हैं कि हमारी फाइल्स ऐसी क्यों नहीं आ रही है। तो ये बता देते हैं कि ये क्या होती है। ये विनरार होती है। व्हाट इज विनरार? विनरार क्या होता है? विनरार इज अ ट्रायल वेयर फाइल अर्काइव यूटिलिटी फॉर विंडोज। अब मैं अगर आपको ये पढ़ के बताऊंगा तो आप बोलोगे भाई क्या कैंसर बता दिया आपने मुझे। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको छोटा सा, मैं आपको मुझे आपको लॉजिकल देना ही पड़ेगा कि विंडार करता क्या है। विंडार कैन कंप्रेस फाइल्स। ये क्या करता है? फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, क्योंकि हम हमें अक्सर इंटरनेट से या तो डाउनलोड करनी होती है या सेंड करनी होती है फाइल्स, जो कि काफी बड़ी बड़ी फाइल्स होती है। तो विंडार क्या करता है? फाइल्स को ना छोटा कर देता है, ताकि आपको इंटरनेट पर भेजने में या डाउनलोड करने में आसानी हो। तो विंडार करता है क्या? विंडार ये करता है कि विंडार जब आप इंस्टॉल कर लेते हो अपने पास, तो आपके फाइल्स और फोल्डर जो होते हैं, ये आपके पास सामने मौजूद है। फाइल्स और फोल्डर है, आप इसको देखो, उन्होंने क्या करा, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्ट के अलग अलग फोल्डर थे, जिसको सेपरेटली भेजना पड़ता या काफी बड़ी उसकी फाइल बन जाती। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद विनरार से उसको छोटी फाइल में, ये देखें तीन प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहे हैं इसके आइकन में, कि हमने इसको लॉक कर दिया, एक छोटा प्रोजेक्ट बना दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। तो विंडार का सिर्फ यही काम होता है कि वो कंप्रेस कर देते हैं हमारी चीजों को। ठीक है, तो अब चले हम ये करते हैं कि हम विंडार को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अभी ये देख लेते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सिर्फ ये करना है, सिंपली आपके सामने खुद ही आ जाएगा विंडार डाउनलोड। अच्छा, आपके पास 32 बिट है अगर कंप्यूटर, तो आप 32 बिट पे करेंगे, या मेरे पास तो 64 बिट है। तो वैसे आपको गूगल जो है खुद रिकमेंड कर देगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो पहला ही आपके पास बहुत सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप किसी पे से भी चले जाएंगे तो बहुत ईजी आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं पहले पे चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप यहीं पर जाकर आराम से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको देखें विनरार की बहुत सारी लिस्ट आई हुई है, ऐसे वर्जन होते हैं जो कभी ना कभी कोई ना कोई बग रिजॉल्व होता है, तो वो न्यू वर्जन दे देते हैं। तो यही इसी तरीके से विंडार का भी उन्होंने नया वर्जन 64 बिट का पहले दिया हुआ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। हो सकता है कि आपके पास ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन ना दे, बल्कि यहाँ पर आपका डाउनलोड शुरू हो जाए। तो जहां भी शुरू होगा वो एक स्पेसिफिक पाथ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम भी इसको क्या करते हैं, डाउनलोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। आप भी जब स्टार्ट डाउनलोड पर अपने पास, जहां से अभी मैंने क्लिक किया वहां क्लिक करेंगे, तो आपके पास भी डाउनलोड किसी न किसी सूरत में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ये जनाब मेरे पास भी, मैंने क्लिक किया है और मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, और ये मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ फाइल गई है मेरी। तो ये रहा मेरा, ये विनरार यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड हो गया। आप भी डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पर से क्लिक करके उसके ऊपर चले जाएंगे। राइट क्लिक करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा करें तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। मैं ओपन करूंगा तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने का फायदा ये होता है तो उसको हर तरीके के राइट्स मिल जाते हैं, कंप्यूटर के तौर से, कंप्यूटर की तरफ से हर तरीके के राइट्स मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, इसने मुझसे पूछा है कि भाई आप कहाँ पर रखना चाहते हो अपनी फाइल, या आप कहाँ डाउनलोड करना चाहते हो विंडार के। हम पूरी फाइल्स को जो जो संभालेगा वो कहाँ रखें, इन्होंने डिफॉल्ट बता दिया सी में। आप चाहो तो ब्राउज करके आप जो है इसकी नीचे आकर आप सी या डी, जो भी आप दिस पीसी में आकर आपको सी में रखना है आप सी में रखें, डी में रखना है डी में रखकर आप मेक न्यू फोल्डर से न्यू फोल्डर बनाकर उसके अंदर डाल दें। मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा कि इसको सी के अंदर ही जाने दें। ठीक है, फिर उस सी के ऊपर उसी को रहने दें और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। और ये इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि मैं आपको जार फाइल बनाने दे सकता हूँ, मतलब इस टाइप फाइल टाइप में मैं आपको कन्वर्ट करने दूंगा। तो ये हम आप बाद में समझेंगे, ये आप इसको ऐसे ही चेक रहने दें, जो भी ये चेक हुआ हुआ डिफॉल्ट पर जाने दें। ओके कर दें। ओके करने के बाद आप डन कर दें, और जनाब ये आपका जो है लोकल सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेनू प्रोग्राम विंडार आपका डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको एक कुछ इसकी चीजें करके दिखा देता हूँ कि आया ये करता क्या है। सॉरी, सो अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कलेक्शन है जिसमें मेरे सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, तो हम देख लेते हैं कि ये फाइल की क्या साइज है। प्रॉपर्टीज में आकर मैं साइज साइज देख लेता हूँ। तो जनाब ये 870 MB का कुछ फाइल है, और मैं क्या करता हूँ, मुझे ये अपने फ्रेंड को देनी है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, ऐड टू अर्काइव।
अभी मुझे किसी और ऑप्शन पे नहीं जाना है, जब मुझे छोटी करनी है फाइल को, कंप्रेस करना है, तो मैं ऐड टू अर्काइव पे जाऊंगा। ऐड टू अर्काइव करने के बाद मैं उसको इस फॉर्मेट पे सेव कर सकता हूँ, लिखा हुआ अर्काइव फॉर्मेट। आप किस में किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, रार में रखना चाहते हैं, रार फोर में रखना चाहिए, जिप में रखना चाहते हैं? अक्सर यूजुअली ज्यादातर जिप करते हैं, ताकि समझें कि वो एक पूरे बैग में जिप बनकर आपके पास सामने आ जाता है, पूरी फाइल जो है एक जिप करके आपके पास सामने आए। तो देखते हैं अभी हम कैसे होता है। ओके किया, और मैंने जैसे ही ओके किया, ये मेरी फाइल्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया इसने। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जनाब ये मेरे पास फौरन से जो है जिप हो चुकी है फाइल, ये कलेक्शन मेरी रियल फाइल थी और ये कलेक्शन जिप हो चुकी है। अब देखें आप, अगर आप देखो तो अब मेरे पास फाइल का जो साइज आ रहा है, साइज आपके पास, देखें फाइल का क्या आ रहा है, केबीज में आ रहा है। अब पहले जो ये वाली फाइल का जो था वो 870 MB में था, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। देखा आपने कैसे कि एक बड़ी फाइल को आप जिप कर स्मॉल कर लेते हो। लेकिन अब मसला जब आता है कि जब आप ऐसी कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो जो कि इस तरीके की नजर आ रही होती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको यहाँ पर खोल दूंगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं कि नए न्यू फोल्डर के अंदर अगर मैं बैक आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर के अंदर जाकर मैंने ये फाइल रख ली, समझे कि मैंने अपनी कलेक्शन को यहाँ पर रखा है। अच्छा, हमने शॉर्ट तो कर दी फाइल को, लेकिन जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो फाइल हमें इस शक्ल में नजर आ रही होती है, तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, हम इसको खोलेंगे कैसे? इसे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, जो कि आपको समझ नहीं आएगा। इसको छोड़ दें, आप क्या करा करें, इसे खोलने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप खोलें, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो सारी की सारी फाइल्स इसके बाहर यहीं पर सीधी आ जाएंगी, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो इसी फोल्डर के नाम से आपके पास ये पूरे फाइल जो हमने कंप्रेस की है, जो छोटी कर दी है, वो बड़ी ऊपर सामने आ जाएगी आपके। तो देखें जिस तरीके से मैंने फाइल्स को छोटा किया था, अब ये वैसे ही मुझे फाइल्स को खोल कर दिखा रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक दूं, या आई थिंक ये हो ही जाएगा जल्दी। तो दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक फाइल को कंप्रेस किया जाता है और किस तरीके से हम इसको खोलते हैं। देखिए ये कलेक्शन जो मेरी कंप्रेस हुई हुई थी, अभी मेरा वापस फोल्डर बन चुका है और इसमें मेरे सॉन्ग्स मौजूद है। थैंक यू।